नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। नई दिल्ली में G20 का आगाज हो चुका है। आज यानी 9 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 समिट का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के भाषण की शुरुआत मोरक्को के भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए की है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं। Your Highnesses, Excellencies, नमस्कार। औपचारिक कार्यवाही शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद पीएम ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस पर समिट में पहुंचे अफ्रीकन यूनियन के हेड ने पीएम को गले लगा लिया। आइए देखते हैं पीएम ने क्या कहा। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का गले लगाकर स्वागत किया और कुछ देर बाद भी की। समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के कुलपति ओलाफ शॉल्स और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं कल देर शाम भारत आए अमेरिकी प्रेसिडेंट बिडेन एयरपोर्ट से सीधे मोदी से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।